हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो अगर आपने सीएससी के माध्यम से बीसी पॉइंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और उसका अगर आप लोग को अप्रूव नहीं मिला है तो किस प्रकार से आप अप्रूव करवा सकते हैं बिल्कुल ही 100% जेन्युइन तरीके, और साथ में आप लोग को स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी सी एस सी वी एल ई को पता होगा कि सी एस सी के माध्यम से आप लोग को एच डी एफ सी, एक्सिस बैंक या फिर आई सी आई सी बैंक का बिल्कुल ही फ्री में सी एस पी दिया जाता है, जिसके लिए आप लोग को बैंक मित्र को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करने के लिए होता है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर रखा है तो इसका आप स्टेटस किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली सी स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग को bankmitra.cscloud.in पर आ जाना है। इसका लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका स्टेटस किस प्रकार से चेक करेंगे, देन उसके बाद इसको आप अप्रूव कैसे करवाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर वीएलई रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आ जाना है, और जो सीएससी वीएलई अगर यहाँ पर बीसी पॉइंट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो उन लोग न्यू यूजर के ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर से कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन इज अंडर ऑब्जर्वेशन कॉन्टैक्ट और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सी एस सी वी एल ई बैंक मित्रा में बीसी पॉइंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर से स्टेटस कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए यहाँ पर है। तो आप लोग को अगर इस प्रकार से प्रोसेस देखने को मिल रहा है तो जो भी आपका एप्लीकेशन है वह बेसिकली आपके जो भी डीएम के पास है, तो इसको आप किस प्रकार से अप्रूव करवाएंगे तो वीडियो के हम लास्ट में बात करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को देख यहाँ पर एक और एप्लीकेशन आप लोग को दिखा देते जो कि रजिस्ट्रेशन बैंक मित्रा में इससे पहले किए थे। तो यहाँ पर से आप लोग का स्टेटस कुछ इस प्रकार से आप लोग को चेक करना है, एंड उसमें आप लोग को पता करना कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो बेसिकली कहाँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग को स्टेट टीम देखने को मिल रहा है तो जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो बेसिकली स्टेट टीम के पास होगा, एंड स्टेट टीम ही अप्रूव करने के बाद आप लोग को बैंक अप्रूव होता है। तो यहाँ पर चलिए हम दूसरा एप्लीकेशन को यहाँ पर से स्टेटस चेक कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि एक डीएम के पास है जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फॉर वेरिफिकेशन पेंडिंग में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जैसे ही अप्रूव कर देंगे उसके बाद जो भी एप्लीकेशन होता है वह स्टेट टीम के पास चला जाता है, और स्टेट टीम जैसे ही अप्रूव करता है उसके बाद बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो यहाँ पर एक और एप्लीकेशन चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन हम चेक कर लेते हैं, फिर से बैंक मित्र पोर्टल पे आ जाते हैं, वीएलई रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से न्यू यूजर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंड कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन वेरीफिकेशन इज कम्प्लीट बाय स्टेट टीम एंड और एप्लीकेशन इज सेंड टू बैंक फॉर अप्रूव। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि जो भी वेरीफिकेशन है यानी कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेट टीम के माध्यम से, और स्टेट टीम के माध्यम से या जितने भी एप्लीकेशन है उसको बैंक में फॉरवर्ड कर दी गई। जैसे ही बैंक अप्रूव कर देता है उसके बाद बैंक से कॉन्टैक्ट करके इस प्रकार से बीसी पॉइंट दे दिया जाता है। तो अगर आप लोग को इस प्रकार से एप्लीकेशन देखने को मिला है तो स्टेट टीम के माध्यम से भी आप लोग को अप्रूव मिल चुका है। अगर आप लोग को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आता है तो इसका मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन है वह बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के बाद है। तो आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अप्रूव करते हैं, उसके बाद स्टेट टीम, देन यहाँ पर बैंक अप्रूव कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप लोग को इसको किस प्रकार से अप्रूव करवा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में आएंगे, देन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंड अपना स्टेट और साथ में डिस्ट्रिक्ट सर्च कर यहाँ पर इंटर करके सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनका ईमेल आईडी और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को मिल जाएगा। इनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी आपका सी एस सी आई डी और साथ में आप लोग को जो भी आपका डॉक्यूमेंट सारी चीज़ों को आप लोग को मेल कर देना है और डीएम से आप लोग को कॉन्टैक्ट कर लेना है। इस प्रकार से क्या है कि आप लोग अगर आपका एप्लीकेशन डीएम के पास है तो आप लोग को एक से लेकर तीन दिन के अंदर अप्रूव कर देंगे। अगर आप लोग के पास जो भी आपका एप्लीकेशन अगर स्टेटस चेक करते हैं और अगर आपका एप्लीकेशन डीएम के अप्रूव कर दिए, अगर स्टेट टीम के पास है तो एफ आई बैंकिंग सर्विसेज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो भी आपका स्टेट टीम का कॉन्टैक्ट नंबर और साथ में ईमेल आईडी आ जाएगा, इसमें आप लोग को फिर मेल कर देना फॉर अप्रूव के लिए। उसके बाद यहाँ पर से एप्लीकेशन अप्रूव के लिए यहाँ पर जैसे ही मेल करेंगे तो आप लोग को विद इन
एक से लेकर 3 दिन के अंदर ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाता है और उसके बाद आप लोग को इस एप्लीकेशन को बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाती है एंड बैंक यहाँ पर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग को जो इसका है वो आप लोग को BC पॉइंट दे दिया जाता है। अगर आप लोग को यहाँ पर से फाइनल अगर आप लोग को कंग्रेचुलेशन मैसेज आ जाता है निकेस्ट टीम के माध्यम से, तो आप यहाँ पर दूसरा तरीका से आप चेक कर सकते हैं कि आपका BC पॉइंट क्रिएट हुआ नहीं, जिसके लिए आप जो भी बैंक का BC पॉइंट लें उसे आप लिख कर आप BC लॉगिन के जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपली साइनिंग कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर आप लोग को सिंपली से यहाँ पर कुछ सेटिंग करने के लिए होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपना जो भी CAC ID है उसे एंटर करेंगे, सेंड OTP के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगर आप लोग के मोबाइल में CAC से रजिस्ट्रेशन जो भी मोबाइल होगा उसमें OTP चल जाता है, इसका मतलब कि आप लोग को बैंक से भी अप्रूव हो चुका है, आप लोग को जल्दी ही बैंक कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से लॉगिन करने के बाद आप लोग को सर्विसेज का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पर से वाइट आप लोग को पेज आ जाता है तो जिसके लिए आप सेटिंग कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग है, 3 डॉट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाना साइड सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पर से आप लोग को एक ऑप्शन जैसे ही आ गए उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, देन आप लोग को यहाँ पर से आप लोग को ई पॉपअप को ओपन कर लेना है, जिसके लिए ये बेसिकली अगर आप लोग HDFC BC लॉगिन लिखकर सर्च करते हैं अगर आप लोग को वाइट पेज आ जाता है, देन आप लोग को यहाँ पर से आप लोग को अलाउ करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं कि अलाउ है। अगर आप लोग को यहाँ पर से डोंट अलाउ को ऑप्शन में है तो आप लोग यहाँ पर से सबसे पहले अलाउ कर लें, देन उसके बाद यहाँ पर से आप लोग HDFC BC लॉगिन लिखकर सर्च करें, उसके बाद आप यहाँ पर से लॉगिन करने का ट्राई करें। अगर आप लोग का लॉगिन हो जाता है और आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर में OTP सेंड कर दिया जाता है, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फाइनल अप्रूव हो चुका है। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।